गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज नवरात्र का सातवां दिन है, काल रात्रि का दिन है, तो यहीं से आज हम शुरुआत करते हैं। आज टॉपिक पढ़ाएंगे हम, लेकिन माँ की आराधना के साथ आज हम शुरू करना चाहते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। अब देखिए, एक शब्द है हमारे पास टॉपिक, ये काफी इम्पोर्टेंट है। डोपिंग फिजिक्स में भी आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, लेकिन आप जनरली अपने लाइफ में भी बचपन से सुनते आ रहे होंगे डोपिंग डोपिंग डोपिंग। तो डोपिंग क्या है पहले तो ये समझ। आप जो बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं डोपिंग या सुनते आ रहे हैं, वो है एक्चुअली क्या कि कोई भी खिलाड़ी अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए या कोई भी एथलीट्स अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए बाहर से कोई ऐसा प्रोटीन या स्टेरॉयड हार्मोन का कोई भी ऐसे सब्सटेंस को लेता है जिससे उसकी ताकि उसकी बॉडी का एफिशिएंसी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो पहले उसका बॉडी क्या था, प्योर, और कुछ बेफालतू चीज लेकर के अपने स्टेमिना को उसने इंक्रीज किया, यानी खुद के बॉडी को इम्प्योर कर लिया, तो इस वजह से वो कहलाता है आपका डोपिंग। ठीक उसी तरीके से वो कॉन्सेप्ट हमारे जनरल लाइफ का था। अब हम केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं कि डोपिंग क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है। ये सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, तो जाहिर सी बात है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये है, ये अपना कोवेलेंट बॉन्ड सब बना रहा है आपस में टेट्रा वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए। हर जगह इसने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए। तो देखिये ये शेयरिंग से इसमें कुछ भी दूसरा चीज मिला हुआ नहीं है, मिक्स नहीं है, तो ये आपका परफेक्ट सिलिकॉन का क्रिस्टल है और ये प्योर भी है, इसमें कोई इम्प्यूरिटीज नाम का चीज नहीं है। लेकिन अब इसको इम्प्योर किया जाए, इम्प्योर जैसे ही किया जाएगा तो इसके प्रॉपर्टीज में कुछ न कुछ क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। जैसे कोई खिलाड़ी नॉर्मल था, कुछ फूड सप्लीमेंट ऐसा लिया जो कि उसके बॉडी को दूसरे तरीके से हानि भी पहुंचा सकता है, लेकिन उसका एफिशिएंसी यानी उसके बॉडी का प्रॉपर्टीज कुछ न कुछ चेंज कर गया, तो ये कहलाया आपका डोपिंग कहलाया। तो वो अलग सेंस है, हम यहाँ प्योर क्रिस्टल में किसी इम्प्यूरिटीज के मिक्स होने पे हम बात करने जा रहे हैं। जैसे कि परफेक्ट सिलिकॉन का क्रिस्टल है, अब इसमें इस सिलिकॉन के जगह पे आप ध्यान से देखिए डोपिंग कर दिया गया है, यानी इम्प्यूरिटीज को मिक्स कर दिया गया है। मान लिया जाए कि यहां आ जाता आपके पास कौन सा, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब 5A का एलिमेंट है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां, तीसरा, चौथा, और ये हो गया आपके पास 5वां इलेक्ट्रॉन। तो ये यदि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता भी तो 1, 2, 3, 4 और ये सब तो जो भी है सिलिकॉन ये आपस में तो ऐसे बनाएगा ही, जैसा कि ऊपर के डायग्राम में हम आपको दिखा चुके हैं इस तरीके से। तो जैसे ही देखिए कि यहाँ एक मिक्स कर दिया गया सिलिकॉन, एक सिलिकॉन एटम को हटा करके आर्सेनिक को यहाँ पुट किया गया है, तो वैसे सिचुएशन में आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ इंगेज हो गए, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन इसका क्या रहा, फ्री हो गया। तो 5th इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हो गया और इसमें आर्सेनिक एच इम्प्यूरिटीज यहां वर्क कर रहा है, तो ये प्रोसेस कहलाएगा आपका डोपिंग। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लें कि डोपिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटीज, तो इम्प्यूरिटीज को यहां क्या किया गया है, ऐड किया गया, इसका प्रोसेस टू ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ये पहले से ये एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस था, वो भी प्योर था। क्रिस्टलाइन हम क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर फैशन में अरेंज हैं। इस वजह से यहां एक शब्द आया है आपके पास, कौन सा, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, सो एज टू चेंज इट्स प्रॉपर्टीज। एड इम्प्यूरिटीज को एड करने से इसके प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, सो एज टू चेंज इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड डोपिंग। तो यही प्रोसेस को हम बोलेंगे डोपिंग कहेंगे।
हम समझते हैं डोपिंग, आप समझ गए होंगे, सिलिकॉन का ये क्रिस्टल था, ये प्योर था, लेकिन एज ए इम्प्योरिटीज हम आर्सेनिक यहाँ हम मिक्स कर दिए हैं। तो मिक्स करने की वजह से अब ये जो सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है इसके प्रॉपर्टीज में बदलाव आ जाएगा। यही प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग बोलते हैं। तो यहां देखिए आप, यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो चुका है, ये इम्प्योरिटीज को हमने मिक्स किया है। तो डोपिंग विथ यानी इम्प्योरिटीज किया गया है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज। आप इसमें देखिए, यहां सिलिकॉन सब जगह होता तो जाहिर सी बात है कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता इस तरीके से, ऐसे ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता। लेकिन आप यहां देखिए कि इस सिलिकॉन के जगह पे अब यहां हम पुट कर दिए हैं अल्मोनियम। अल्मोनियम को पुट करने के वजह से हुआ है कि अल्मोनियम आपका 3A का है, ग्रुप का है, तो इस वजह से इसका जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा कितना, 3। तो आप यहां देखिए कि एक तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, ये भी इलेक्ट्रॉन के साथ बनाया, ये भी बनाया, लेकिन इस जगह पे जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो था ही नहीं अल्मोनियम के पास। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से यहाँ एक वैकेंट स्पेस काउज हुआ है। यहाँ केमिस्ट्री के भाषा में इसे हम होल कहेंगे। तब तो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटीज हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, उससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घट गया है। तो डोपिंग हम दो तरीके से करवा सकते हैं, एक आप इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज के जरिए और दूसरा है इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटीज के जरिए। तो इस प्रॉपर्टीज में भी बदलाव आएगा, इसमें भी बदलाव आ जाएगा। किससे? अपने जो परफेक्ट सिलिकॉन का क्रिस्टल है उससे इन दोनों में कुछ न कुछ चेंजिंग आ जाएगा। सबसे पहले हम देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज से यदि हम डोप करते हैं तो क्या क्या चेंजिंग आता है, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि क्या क्या बदलाव आ रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज। तो आप यहां देखिए कि क्या क्या घटना घटा है। द फिफ्थ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दिस इज द फिफ्थ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज फ्री, क्योंकि किसी से वो बॉन्डेड नहीं है, एंड गेट डीलोकलाइज्ड। वो एक जगह से दूसरे जगह पर क्या करेगा, डीलोकलाइज्ड करेगा। दिस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कि कंडक्टिविटी तभी होगा किसी भी क्रिस्टल में जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, और यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया जो एक जगह से दूसरे जगह पे डीलोकलाइज्ड कर सकता है। तो इस वजह से अब हुआ क्या कि ये जो परफेक्ट जो क्रिस्टल परफेक्ट सिलिकॉन का जो क्रिस्टल था ये ज्यादा कंडक्टर नहीं था इलेक्ट्रिसिटी का। हर एक सब्सटेंस का अपना एक कंडक्टिविटी होता है, लेकिन ये इम्प्योरिटीज के आ जाने के वजह से अब ये सिलिकॉन क्रिस्टल का कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और भी क्या होगा, डोपिंग से नए प्रॉपर्टीज का फॉर्मेशन होता है, देख लें। एज द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी इज ड्यू टू निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। द सिलिकॉन क्रिस्टल्स डोप्ड विथ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा कंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये फिजिक्स में भी पूछा जाता है और केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। यदि आप सिलिकॉन के परफेक्ट क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज से आप क्या करते हैं, डोप करते हैं, तो आफ्टर डोपिंग कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल इंक्रीज कर जाएगा, और इस तरीके के डोपिंग से एक तरीके के नए तरीके का सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होगा, दैट इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। आपसे पूछा जाएगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो आप बताइएगा कि जब इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज से किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल को डोप किया जाता है तो ऐसे सिचुएशन में एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होगा, और इस तरीके से वो क्रिस्टल का कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगा और एक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। दैट सेमीकंडक्टर इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये था आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसका फॉर्मेशन तभी हुआ जब इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज से इसको डोप किया गया, तब इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। इसके जस्ट अपोजिट यहां इलेक्ट्रॉन डेफिसिट था,
यहाँ इलेक्ट्रॉन का कमी था, एक होल क्रिएट हुआ। ये होल इज क्रिएटेड एट द साइट वेयर फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग। फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिसिंग था, यहाँ एक होल क्रिएट हो गया है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल, इसे हम इलेक्ट्रॉन होल के नाम से जानेंगे या इलेक्ट्रॉन वैकेंसी के नाम से जानेंगे। सबसे ज्यादा पॉपुलर है इलेक्ट्रॉन होल, या सिंपली हम होल का भी यूज करते ही हैं। फिजिक्स में सबसे ज्यादा ये यूज होने वाला शब्द है होल। आगे देखिए, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम कैन जम्प टू फिल अप दिस इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, ये जम्प कर करके, ये इलेक्ट्रॉन आपका जंप करके मान लीजिए कि इस जगह पे आता है, तो जैसे ही इस जगह पे ये इलेक्ट्रॉन इसको फिल किया तो यहाँ एक नया होल क्रिएट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके मान लीजिए कि यहाँ चला गया, तो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ एक नया वैकेंसी कॉज होगा, तो ये न्यू होल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जंप किया तो यानी इलेक्ट्रॉन इस तरफ जब मूव कर रहा है तो होल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन तो जनरली आपका मूव करता है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा आपका कैसा, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, एज ए पॉजिटिव सोर्स वो काम करता है। तो आप इस चीज को आप गौर से देखिए और समझने का कोशिश करिए। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटम कैन जंप टू फिल अप दिस इलेक्ट्रॉन होल, बट देन एन इलेक्ट्रॉन होल इज क्रिएटेड। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएटेड हो जाएगा एट द साइट फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन है जम्प, जहां से इलेक्ट्रॉन जम्प किया है। एज इट कंटिन्यूज, और ऐसे ही होता रहा तो इलेक्ट्रॉन होल विल मूव इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होल क्या करता है, मूव करता है। आप यहाँ देखिए, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ अप्लाई किया गया है तो होल नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा किधर, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। फिर आगे आप यहां समझने का कोशिश करिए। नाउ व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जैसा कि आप डायग्राम में यहां देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जा रहा था, तो द इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड द इलेक्ट्रॉन होल मूव टूवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट एच इफ दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। हेंस अब एक ऑप्शन है, सिलिकॉन डोप्ड विथ इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटीज, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिसिट था, आर कॉल्ड पी टाइप सेमी कंडक्टर। काफी इम्पोर्टेंट है और इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ हम समझाने का काम किए हैं क्या, कि निगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है एक्सटर्नल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है आपके पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो होल मूव करेगा आपको नेगेटिव प्लेट की तरफ। आप इतना ध्यान में रखिएगा। गुड बाय।